राम राम जी आप सबको, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको देखो ये रेडीमेड जैसा डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। आप इसको बच्चे के कार्डिगन में डाल लो, लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, कहीं भी डाल लो, सारी जगह अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। एक डिज़ाइन ये 5 फंदे का बनेगा। अब बॉर्डर बना के जो पहली सिलाई में बना रखा है, पहली सिलाई तो बना कर दिखाऊंगी आपको। पहले हम एक फंदा दोनों कोने पे एक एक फंदा सिलाई के लिए रख रहे हैं, उल्टा बना लिया। ये फंदा सीधी सिलाई में भी उल्टा बनाऊंगी दोनों कोने पे, और उल्टी में भी उल्टा। अब आगे 4 फंदे, 5 फंदे का डिजाइन बनेगा। आगे एक फंदा उल्टा हो गया, आगे 2 फंदे सीधे। अब ये 2 फंदे जो ऐसे बना लेंगे, पहले दोनों इकट्ठे डाल ले हैं, पहले दोनों का एक बना लिया, फिर जो पहले वाला फंदा है ये वाला फंदा एक बार फिर बना लिया और दोनों को निकाल दिया। 2 फंदे के हमने 2 ही फंदे बना लिए, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे के 2 फंदे बना लिए 4, और एक फंदा ये उल्टा। अब ये 5 फंदे हो गए। अब यही 5 फंदे हमने आगे बनाने हैं, तो पीछे धागा करके पहले 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे, फिर 2 फंदे ऐसे इकट्ठे बनाएंगे। देखो दोनों फंदों के बीच में सिलाई निकाल ली और फंदा बना लिया एक, फिर पहले वाला फंदा एक बार फिर बना दिया। अब देखो दोनों फंदे इकट्ठे निकाल दिए, फिर आगे एक फंदा उल्टा। यही 5-5 फंदे पूरी सिलाई में बनाने हैं। पीछे धागा करके 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे के बीच में देखो सिलाई निकाल कर एक लंबा फंदा बना लिया, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। फिर पहला वाला फंदा बना लिया, फिर दोनों इकट्ठे निकाल दिए, फिर एक फंदा उल्टा, फिर पीछे धागा करके आगे 5 फंदे का फिर डिजाइन। 2 फंदे सीधे, फिर आगे की साइड से देखो दोनों इकट्ठे सिलाई डाल के एक फंदा बना लिया, फिर पहले वाला फंदा बना लिया, पीछे छोड़ दिया दूसरा फंदा, दोनों इकट्ठे निकाल दिए, फिर एक फंदा उल्टा, फिर आगे 2 फंदे सीधे, 2 का पहले 1 बना लिया, फिर एक पहले वाला फंदा एक बार फिर बना लिया, फिर एक फंदा उल्टा। अब ये पहली सिलाई होगी, 2 का पहले 1 बना लिया, फिर पहले वाला फंदा बना लिया और दोनों इकट्ठे निकाल दिए, फिर एक फंदा उल्टा। अब पहली सिलाई हमारी इस तरह उतरी है। अब ये वाला फंदा हमें एक और बना दिया, 5-5 फंदे के हिसाब से बड़े हैं। अब दूसरी सिलाई आ गई, उल्टी सिलाई आ गई। अगर आपने इस तरफ फंदे 2 रख लिए, एक सिलाई का होगा एक ये डिजाइन का होगा, अगर एक रखना तो एक रख लो, दोनों कोने पे एक एक फंदा आ गया फिर हमारा। एक रखना चाहो तो एक भी रख सको आप, बस एक भी सही चलेगा। फिर पीछे धागा करके अब ये फंदा जो हमने उल्टा बनाया था ये सीधा हो गया, और 4 फंदे हमें उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4। अब ये 5 फंदे हमने पूरी सिलाई में उतारने हैं उल्टी में, 1 2 1 सीधा 4 फंदे उल्टे। अब ये दूसरी सिलाई हमारी इस तरह उतरेगी, 1 फंदा सीधा 4 फंदे उल्टे। उल्टी सिलाई हमारी सारी इस तरह उतरेंगी पूरी कोटी में, 1 फंदा सीधा 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर पीछे धागा करके 1 सीधा 4 उल्टे 2 3 4, फिर 1 फंदा सीधा 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, और ये कोने वाला भी उल्टा, 5। 2 सिलाई होगी। अब आगे आ गई तीसरी सिलाई, सीधी सिलाई, 1 फंदा उल्टा। पीछे धागा करके पहली सिलाई में हमने 2 फंदे सीधे बना कर फिर बनाया था, 2 फंदों के बीच को फंदा निकाला था। अब की बार हम 1 फंदा सीधा बना लेंगे, और देखो ये चैन दिखाई दे रही है। अब आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 करना है ऐसे, पहले 2 के बीच से 1 फंदा निकाल लिया, फिर पहले वाला फंदा बना लिया। अब जो ये फंदा बच गया ये फंदा हम सीधा बना देंगे। अब देखो 1 फंदा सीधा, फिर 2 के 2 बना दिए, फिर 1 सीधा,
पहले इस फंदे के साथ बनाए थे हमने, जो अब सीधा बना है इसके साथ दो का एक कर रहा था, फिर एक फंदा भी पहले वाला बना दिया था, फिर ये वाला फंदा उल्टा। अब देखो तीसरी सिलाई इस तरह उतरेगी हमारी, देखो दिख भी रहा हमने, इस फंदे के साथ ये दोनों बनाने हैं हमने, एक फंदा सीधा। अब इन दोनों का बीच में फंदा बना लिया और फिर पहले वाला फंदा बना लिया, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा ये उल्टा, फिर पीछे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे का पहले एक बनाया और फिर पहले वाले फंदा एक बार फिर बना दिया, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब ये तीसरी सिलाई पूरी सिलाई इस तरह उतारनी है हमने, एक सीधा, दो फंदे का पहले एक बना लिया, फिर पहले वाला फंदा बना लिया, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अगर आपने ये और बड़ा बनाना है तो आप इसको और बड़ा भी बना सको हो, जैसे मैं पांच चार फंदे ये हो गए, एक उल्टा हो गया, इस जगह आप पांच बना लो, छह बना लो, सात बना लो, और बड़ी बड़ी डिब्बी बनेगी फिर आगे, छोटा बड़ा आप इसको कर सकते हो। एक फंदा सीधा, फिर पहले दो का एक कराया, फिर पहले वाला फंदा एक बार फिर बना लिया, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक उल्टा। अब ये तीसरी सिलाई उतार ली पूरी और चौथी सिलाई उल्टी, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे उतार लूँ मैं, फिर दिखाऊंगी आपके। अब आ गई पांचवी सिलाई। अब पांचवी सिलाई में देखो, एक फंदा उल्टा पीछे धागा करके, अब हमने इन दो फंदों का पहले एक फंदा बनाना है, फिर पहले वाला फंदा एक बार फिर बना देना है। अब ये दोनों छोड़ दिए, अब आगे दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब ये पांच फंदे इस तरह बनाएंगे पांचवी सिलाई में, फिर पीछे धागा करके अब इन दो को पहले एक बना लेंगे, फिर पहले वाला फंदा बना लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर पीछे धागा करके दो का पहले एक बनाया, फिर पहले वाला फंदा बना लिया, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर पीछे धागा करके पहले एक बना लिया दो फंदे का, फिर पहले वाला फंदा बना लिया, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब देखो ये किनारे पर आ गया। अब दो का एक, फिर पहले वाला फंदा बना लिया और आगे दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर पीछे धागा करके देखो पता चल रहा है कौन से फंदे के साथ है बनाना हमने। देखो दोनों इकट्ठे डाले हैं, फिर पहले वाला फंदा बना लिया, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, कोने वाला भी उल्टा। अब आ गई छठी सिलाई। अब मैं छठी सिलाई उतार लूँ, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा उतरेगा। अब आ गई सातवीं सिलाई। अब सातवीं सिलाई में एक फंदा उल्टा पीछे धागा करके, अब जो ये चार फंदे हैं ये हमने सीधे बनाने हैं, चार फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब यही पांच फंदे बनाने हैं, चार फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर चार फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अगर आप ये डिजाइन कैप में डालना चाहो तो कैप में भी बहुत सुंदर लगेगा ये डिजाइन, और कैप भी बनी हुई जिस तरह रेडीमेड कैप हुआ करें यूँ लगेगी। चार फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा। अब आठवीं सिलाई फिर इसी तरह उतरेगी, चार उल्टे एक सीधा, उतार लूँ फिर दिखाऊंगी। अब देखो ये आठ सिलाई हमारी पूरी होगी और एक डिजाइन पूरा हो गया। यही आठ आठ सिलाई का डिजाइन बनाना है और आगे फिर हमने पहली सिलाई तय फिर शुरू करना है, बार बार बनाएंगे तो देखो ऐसा डिजाइन बनेगा। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो आठ सिलाई का बनेगा ये डिजाइन। पहली सिलाई तय एक बार फिर मैं बना के दिखा रही हूँ किस तरह शुरू करना पहली सिलाई।
पांच पांच फंदे का एक डिजाइन है ये, एक फंदा उल्टा पीछे धागा करके, अब दो फंदे सीधे, फिर ऐसे करके यूँ दो फंदे इकट्ठे डाल लेंगे सिलाई। देखो पहले एक फंदा बना लिया, फिर आगे वाला फंदा एक बार फिर बना दिया, दोनों इकट्ठे निकाल दिए, फिर आगे एक फंदा उल्टा। अब यही पांच पांच फंदे बनाने हैं। अब दो फंदे सीधे, फिर दो का पहले एक बना देंगे, फिर आगे वाला फंदा बना देंगे, फिर दोनों इकट्ठे निकाल दिए, फिर एक फंदा उल्टा। इस तरह बनेगा भी।